मणिकर्णिका के डायरेक्टर क्रिश के बाद कंगना की प्रीवियस फिल्म सिमरन के डायरेक्टर हंसल मेहता ने ब्रेक किया अपना साइलेंस। हंसल ने किया फिल्म सिमरन की कंट्रोवर्सी को रिविजिट। कुछ ही दिनों पहले मणिकर्णिका के फॉर्मर डायरेक्टर क्रिश ने ये पब्लिकली एडमिट किया था दैट द रीजन ही हैड टू ऑप्ट आउट ऑफ मणिकर्णिका वाज बिकॉज ऑफ कंगनाज इंटरफेरेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब कंगना की किसी फिल्म में क्रेडिट्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। बैक इन 2017 कंगना की फिल्म सिमरन अपने रिलीज के दौरान से ही लगातार कंट्रोवर्सीज के घेरे में फंसती आई थी। इट ऑल बिगन व्हेन राइटर ऑफ द फिल्म अपूर्वा असरानी कॉल्ड आउट कंगना फॉर शेयरिंग राइटिंग क्रेडिट्स विद हिम। इन अ फ्यू टेक्स्ट मैसेजेस व्हिच सरफेस्ड फॉलोइंग द कंट्रोवर्सी, कंगना वाज सीन कॉलिंग द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हंसल मेहता एज अ स्पाइनलेस एंड क्लूलेस पर्सन। उस वक्त इन कंट्रोवर्सी से दूरी बना ली, लेकिन अब जब एक बार फिर मणिकर्णिका कंट्रोवर्सी के बाद उनका नाम जोड़ा जा रहा है तो ही डिसाइडेड टू वंस एंड फॉर ऑल पुट एन एंड टू द स्पेकुलेशंस। हंसल ने सोशल मीडिया पर एक लॉन्ग पोस्ट शेयर करते हुए एक्सप्रेस किए अपने व्यूज। सिमरन के एपिसोड को अपनी लाइफ का सबसे पेनफुल चैप्टर बताते हुए हंसल ने कहा कि उन्होंने उस वक्त कंट्रोवर्सीज के बारे में चुप रहना ही सही समझा बिकॉज ही डिडंट वांट द फिल्म टू गेट सैबोटेज्ड। हंसल ने ये भी कहा कि फॉलोइंग द फिल्म ये फेज उनकी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेजेस में से एक रहा है, बट ही हैज बीन ट्राइंग टू मूव ऑन। अपने इस हार्टफेल्ट मैसेज में हंसल ने बताया कि वो किसी के साथ कोई ग्रज नहीं कैरी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों की प्रेजेंस हटा दी है। वाकई हंसल ने अपने इस पोस्ट में बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया।